अजमेर में नाबालिग बालिकाओं को ब्लैकमेलिंग कर दुराचार की वारदातों का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन किसी न किसी थाने में इस तरह की वारदातों की शिकायत मिल रही है। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव बताया कि अजमेर में मुस्लिम लड़कों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक नाबालिग हिंदू लड़कियों को फंसा ब्लैकमेलिंग कर दुराचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लड़के बालिकाओं को अपने जाल में फंसाते हैं और उनको ब्लैकमेल कर उनके साथ अनैतिक कृत्य करते हैं। श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि अजमेर में संचालित अवैध होटल, रेस्टोरेंट और हुक्का बार में लड़के अवैध नशे का सेवन करते हैं। यहाँ नाबालिग बालिकाओं को ले जाकर उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की जाती है और अपने हवस का शिकार बनाया जाता है। सन 1992 में अजमेर के गठित देश को दहलाने वाला ब्लैकमेलिंग कांड की पुनरावृत्ति न हो ऐसे अवैध ठिकानों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और इस तरह की हैवानियत करने वालों को फांसी दी जाए, वरना दुर्गा वाहिनी मात्र शक्ति स्वयं अवैध संचालित नशे के ठिकानों पर बुलडोजर चलाएगी। साथ ही उन्होंने बालिकाओं को सलाह दी है कि वह सोशल मीडिया से सतर्क रहे और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जी बताइए, किस चीज को लेकर आज आपने देखिए, जय श्री राम। आज हम लोग कलेक्टर महोदय को यहाँ पर हिंदू श्रेणियाँ, मेरी सारी संगठन की बहनें यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1992 में जो एक ब्लैकमेलिंग कांड बहुत बड़ा हुआ था, उसमें भी कई तरह के असामाजिक तत्व पाए गए थे, और अभी जो बेटियों को बेला फुसलाकर कैफे हाउस में और सेवन वंडर्स के वहाँ और पहाड़ों पर जो झोपड़ियाँ बनी हैं वहाँ पर बेटियों के साथ में जो अश्लील फोटो खींची गई हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया है, ऐसी चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने कलेक्टर साहब से ये कहा है कि कम से कम ऐसे लोगों की जांच करी जाए, क्योंकि मुस्लिम धर्म के जो भी लड़के या सामाजिक तत्व हैं वो हमारी बहन बेटियों को बेला फुसला कर स्कूल के वहाँ जाके, मॉल के पास जाके और कैफे के उधर जाके बेला फुसला कर ले जा रहे हैं। साथ में ले जाने के बाद वो लोग वहाँ पर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे पैसा मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ से आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम हिंदू श्रेणियाँ कमजोर नहीं है। अगर आज के बाद हमने कभी भी अपनी बहन बेटियों के साथ में इन मुस्लिम लड़कों को पकड़ा तो वहीं पर हम उनका किस तरह से हश्र करेंगे ये उसका अंदाजा उनको लगा नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारी इस बात को सुन लें, सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरना चाहते हो तो उनके वहाँ पर ठिकानों पर जाकर हम लोग वहाँ पर उनके बुलडोजर चलवाएंगे और ऐसे लड़के जो पकड़े गए हैं हम उनके लिए कहेंगे ऐसे लड़कों को फांसी दी जाए जो हमारी बहन बेटे को फुसला रहे हैं। साथ ही मैं बेटियों को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को समझदारी रहें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने जीवन खराब कर देते हैं, अपने धर्म का नाम खराब कराते हैं, तो ऐसी बेटियां में जरा अपने आप को संभाल कर चलें। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी ऐसे लड़कों को हम लोग सजा दिला के ही मानेंगे। हमने अपनी टीम बना ली है, हिंदू श्रेणी ऐसे लड़कों को जूत इतना मारेंगी कि उनको 7 पीढ़ी का दूध याद दिला देंगी ऐसे मुसलमानों को।